आज की इस वीडियो में आपको न्यू ट्रेंडिंग लाइक्स स्टेटस एडिट करना सिखाने वाला हूँ कलर ग्रेडिंग के साथ। तो आप किस तरीके से इस तरह का स्टेटस एडिटिंग करेंगे जो कि अभी आपने देखा लाइक्स वाला, इस वीडियो में आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी आसान तरीके से आपको बिल्कुल न्यू स्टाइल के अंदर लाइक्स स्टेटस एडिट करना मैं सिखा दूंगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस तरह का जो स्टेटस है कैसे एडिट करेंगे, कपल्स एडिटिंग में आपको दो तरह के फोटोज दे दूंगा, आपको जो भी पसंद है आप उस फोटो का यूज कर सकते हैं और इस तरह का स्टेटस एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में अलाइट मोशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। दो प्रोजेक्ट आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको सॉन्ग बीट का प्रोजेक्ट मिलेगा, उसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। जो लिरिक्स मैंने डाल रखी है कहाँ कहाँ पर आपको डालनी है वो यहाँ पर मैंने बीट लगा रखी है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट में मैंने अपना लोगो ऐड कर रखा है तो इसको लोगो को आप हटाकर अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट वाली जो बीट है इस पर आपको आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करना। यहाँ पर जो दो कपल्स के आपको फोटो देने वाला हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे ये वाला है और दूसरा आपको ये वाला फोटो मिलेगा, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट करेंगे। लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है। फोटो पर क्लिक करना है, बिल्कुल लास्ट में आपको चले जाना है और जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से आपको आगे आ जाना है। तो इस तरीके से आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। टोटल आपको दो फॉन्ट देने वाला हूँ, दोनों फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है। आपको एक टेम्पलेट मिलेगा, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ से फोटो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर आपको आ जाना, जूम करके भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है, सेव पर क्लिक करना है, आपको थ्री लाइन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कलर एंड फिल पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर क्लिक करना है। इस लाइन को आप नीचे लाएंगे, नीचे आपको यहाँ पर व्हाइट कलर रखना है और ये जो लाइन है इसको आप इस तरीके से लाएंगे और इसको यहाँ पर डाउन करेंगे, यानी कि आपको नीचे व्हाइट कलर रखना है, ऊपर आपको ब्लैक कलर रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ब्लैक कलर इसको हटाना होगा तो यहाँ पर ब्लैक कलर पर क्लिक करना है। बीच में यहाँ पर क्लिक करना, इसको बिल्कुल जीरो कर देंगे, ब्लैक कलर हट जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से आगे आ जाना है, इस रेक्टेंगल पर आपको क्लिक करना है, बिल्कुल लास्ट में आपको स्क्रॉल करना है और आपको जस्ट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है तो इसकी साइज लास्ट तक हो जाएगी। इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पर जो आ चुका है नीचे साइड व्हाइट व्हाइट का। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर हम गाने की जो लिरिक्स है उसको हम यहाँ पर डालेंगे। इसके लिए आपको फर्स्ट वाली बीट पर आना है, प्लस पर क्लिक करके टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, आपको जाना है नोट पैड में, यानी कि जो लिरिक्स है, जो लिरिक्स मैं यूज करने वाला हूँ वो आपको दे दूंगा, आप यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी अलग गाने के साथ स्टेटस एडिट कर रहे हैं तो वो अलग बात है, नहीं तो मैं आपको कंप्लीट तरीके से जो लिरिक्स है वो आपको दे दूंगा। यहाँ पर मैंने गाने की जो लिरिक्स है उसको मैंने अपने नोटपैड एप्लीकेशन में पेस्ट कर रखा है, आपको भी कॉपी कर लेना है, मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पर भी सेंड कर दूंगा और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ पर आपको ऑल मटेरियल दूंगा वहाँ पर आपको लिरिक्स मिल जाएगी। आपको फर्स्ट लाइन को कॉपी करना है, यहाँ तक मेरी फर्स्ट लाइन है, उसके बाद कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अलाइट मोशन में। आने के बाद आपको यहाँ पर पेस्ट करना है फर्स्ट लाइन को, यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल मिडल में लेना है और यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर को लेना है और उसके बाद लाइक्स पर क्लिक करके इसको यहाँ पर लाएंगे हाथ से और यहाँ से इसकी साइज़ को बढ़ा देंगे। यहाँ पर आपको फॉन्ट पर क्लिक करना है और ये वाला जो फॉन्ट है ये आपको यहाँ पर ले लेना है, जो कि मैंने इसके अंदर यूज़ किया आपको दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद व्यूअल फॉन्ट पर क्लिक करना है, थ्री लाइन पर क्लिक करना है, नीचे आपको इम्पोर्ट फॉन्ट पर क्लिक करना है, यहाँ से आप उस फॉन्ट को क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाला फॉन्ट मिलेगा, इसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके इम्पोर्ट कर लेना है अपने अलाइट मोशन है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से जो लिरिक्स है वो आ जाएगी। आपको यहाँ पर राइट पे क्लिक कर देना है, आपको मूव एंड ट्रांसफर क्लिक है, लिरिक्स थोड़ा ऊपर लेंगे। उसके बाद अगली बीट पे जाएंगे, यहाँ तक जो ये जो लाइन है इसकी साइज आपको यहाँ इस बीट तक रखनी होगी और उसके बाद बीट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, फालतू को हटा देना है। अब जो लिरिक्स हमने यहाँ पर डाली है इसके अंदर आपको इफेक्ट डालनी होगी, इसके लिए आपको यहाँ से बाहर आना है, सेग इफेक्ट के प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो नीचे नीचे आपको रेक्टेंगल मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री लाइन पर क्लिक करके आपको कॉपी इफेक्ट कर लेना है और इसके अंदर आपको एक इफेक्ट की और जरूरत पड़ेगी जो कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो लिरिक्स पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री लाइन पर क्लिक आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना है, वापस आपको नीचे ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नीचे नीचे स्क्रॉल करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट को सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इफेक्ट पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ऑफसेट पर क्लिक करना है, सबसे फर्स्ट में आ जाना है और यहाँ पर आपको एक की फॉर्म ऐड कर देनी है। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में जाना है इस लिरिक्स के, यहाँ पर आपको एक की फॉर्म और से ऐड कर देनी है, ओके। और दोनों दो की फॉर्म ऐड करने के बाद आपको जो फर्स्ट वाली की फॉर्म आपने ऐड किए इस पर आपको आ जाना है, फर्स्ट वाली की फॉर्म पर, यहाँ पर आप देखेंगे एक्स वाई है, तो जो एक्स है इसको आपको रख लेना है, यहाँ पर आपको 13 तक रख लेना है, तो इसको मैं इतना सा रख लेता हूँ, ओके, इतना आपको रख लेना है। उसके बाद जस्ट वाई पर क्लिक करना है, वाई को आप यहाँ पर रख लेंगे 270 तक, ठीक है, 270 तक आप उसको वाई को रख लेना है, तो मैं इसको 270 तक रख लेता हूँ,
ओके इतना रखने के बाद आपको लास्ट वाले की फॉर्म पर जाना है, ये सभी यहाँ पर लास्ट वाले की फॉर्म पर 0-0 रहने चाहिए। अब दोनों की फॉर्म के बीच में आपको आ जाना है, कर्व वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको इसको इस तरफ ले लेना है, इसको इस तरफ आपको ले लेना है। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ से बाहर आ जाना है, आपकी जो इफेक्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट एडिट हो जाएगी। और आपको नीचे स्क्रॉल करना है, थोड़ी सी सेटिंग और आपको यहाँ पर करनी होगी। तो आपको क्या करना है, इसको जो इरेज इन है इसको आप इधर ले लेंगे माइनस में 100, इधर इसको प्लस में 100 ले लेना है, ठीक है। ओवरलेप पर आपको कुछ भी चेंज, ओवरलेप पर क्लिक ना है, इसको पूरा इधर कर लेना है, ठीक है। पूरा आपको 1000% कर लेना है, पूरा इधर आप स्लाइड कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर बीच में स्मूथ पर सिलेक्ट करना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको बाहर आ जाना है, आपकी जो लार्क्स इफेक्ट इफेक्ट है वो इस तरीके से कंप्लीट बन जाएगी। आपको क्या करना है, इस लार्क्स लाइन पर क्लिक ना, बीच में क्लिक ना, कॉपी लेयर करेंगे, वापस अगली बिट पर जाएंगे और यहाँ पर आपको बीच में क्लिक करके पेस्ट लेयर पर आपको क्लिक कर देना है, वही सेम लेयर पेस्ट हो जाएगी। अब इस लेयर की साइज आपको इस बीट तक रखनी होगी, इस बीट पर जाएंगे, लार्क्स लाइन पर क्लिक करना, स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे साइज यहाँ तक हो जाएगी। अब आपको जाना है डायरेक्ट आपके नोटपैड एप्लीकेशन में, जो भी लाइन आने वाली है आप उस लाइन को इस तरीके से कॉपी कर लीजिएगा नोटपैड एप्लीकेशन से। उसके बाद वापस आ जाना है अलाइट मोशन में, जो लाइन आपने अभी आपने पेस्ट की इस पर आपको क्लिक करना है, नीचे आपको एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करना है, इसको आपको हटा देना है, जो भी लार्क्स आने वाले उसको पेस्ट करेंगे और जस्ट आपको राइट पर क्लिक करना है, लार्क्स चेंज हो जाएगी। वापस अगली बिट पर जाना है, बीच में क्लिक करना है, पेस्ट क्लियर करेंगे, इस लाइन की साइज आपको इस बीट तक रखनी है, एस लैग्स पर क्लिक करना है और स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करें साइज बराबर हो जाएगी। उसके बाद जाना है वापस नोट पैड एप्लीकेशन में, जो भी लाइन आने वाले उसको आप इस तरीके से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद वापस अलाइट मोशन में आएंगे। आपको सुन भी लेना है कि अगर कहीं कोई क्या क्या लैरिक्स आ रही है, मतलब कौन सा शब्द कहाँ से आ रहा है, तो वो आपको सुन भी लेना है, उसके बाद आपको उस हिसाब से पेस्ट करना है। अगर इस तरीके से लैरिक्स आ जाते हैं, इसको ये जो ग्रीन पॉइंट है इसको लंबाई में खींच लेना है और जस्ट आपको राइट पर क्लिक कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको सारी लैरिक्स को डाल देना है, मैं डाल देता हूँ ताकि आपका और मेरा टाइम बच जाएगा। यहाँ पर हमने सारी लैरिक्स को स्टेप बाय स्टेप डाल दी, आपको भी डाल देनी है। डालने के बाद आपको क्या करना, सबसे आगे आपको आ जाना है, आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आप अपनी वोटरमार्क ऐड करना चाहते हैं ऐड करेंगे और प्लस पर क्लिक करके आपको टैक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने कीवर्ड में से कुछ इमोजी लेनी होगी, मतलब इस तरह की आपको तीन इमोजी ले लेनी है, इनको बिल्कुल मिडल में लेना है, रोबोट रेगुलर पर क्लिक करना है और ये वाला जो फॉन्ट है इमोजी फॉन्ट मैं आपको दे दूंगा, आप इसको यहाँ पर ऐड करेंगे और आपको कलर पर क्लिक करना है और बीच में क्लिक करके इसको जीरो कर देना है। ओके जस्ट आपको राइट पर आपको क्लिक कर देना है, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको देख लेना है, इसको आप जहाँ पर भी सेट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। इसके बीच में अगर आप लोगो ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको जूम कर लेंगे। उसके बाद आगे आएंगे, इस पर क्लिक करना है, बिल्कुल लास्ट में आपको चले जाना है और जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक देना है, इस तरह से इमोजी आ जाएगी जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये जो फोटो है इसके अंदर हमें कलर ग्रेडिंग करनी होगी, तो इसके लिए आपको बाहर आना है, सैग इफेक्ट के प्रोजेक्ट को ओपन करना है, यहाँ पर लिखा है फोटो इफेक्ट, इस लाइन पर क्लिक ना, इफेक्ट पर क्लिक ना, इस लाइन पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से बाहर आ जाना है और अपने बीट के प्रोजेक्ट को वापस से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो फोटो इस पर है इस पर आपको क्लिक ना, इफेक्ट पर क्लिक ना, लाइन पर क्लिक आपको पेस्ट पैक कर देना है, तो पूरा रात दिन का फर्क हो जाएगा फोटो के अंदर, काफ़ी बेहतरीन तरीके से कलर ग्रेडिंग हो चुके जो कि आप देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ टैंपलेट यूज किया था, फर्स्ट वाली बीट पे आएंगे, प्लस पे क्लिक के मीडिया पर क्लिक ना, और जो टैंपलेट मैं यूज करने वाला हूँ वो आपको दे दूंगा, आप उस टैंपलेट को क्या करें डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। तो आपको इस तरीके से टैंपलेट मिल जाएगा, थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करेंगे, टैंपलेट पर क्लिक ना, इसके अंदर कोई म्यूजिक होता है इसकी आवाज़ बंद कर लेना है। उसके बाद थ्री लाइन पर क्लिक ना, फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है, यहाँ पर आपको ब्लेंडिंग एंड ओपासिटी पर क्लिक करना है, ओपासिटी को आपको यहाँ पर 60% रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइटन पर क्लिक करना है, उसको आपको स्क्रीन कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस टैम्पलेट पर क्लिक करना, ये टैम्पलेट आपको थोड़ा सा छोटा मिलेगा, जहाँ तक टैम्पलेट है वहाँ पर आपको चले जाना है, यहाँ पर आपको चले जाना है। उसके बाद आपको टैम्पलेट पर क्लिक करना, बीच में क्लिक करके कॉपी क्लियर करेंगे, वापस बीच में क्लिक करके पेस्ट क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो सेम टैम्पलेट वापस पेस्ट हो जाएगा और वापस आपको एक बार और पेस्ट कर देना है ताकि लास्ट तक हमारा टैम्पलेट आ जाएगा। बीच में क्लिक करके वापस एक बार पेस्ट क्लियर करेंगे और जहाँ तक स्टेटस है वहाँ तक रखेंगे टैम्पलेट को, स्टेटस हमारा यहाँ तक है, टैम्पलेट ज़्यादा टैम्पलेट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको फालतू को हटा देना है, ठीक है। पूरा आपका स्टेटस यहाँ पर कंप्लीट एडिटिंग हो चुका है, इसके अंदर आपको कुछ भी आप छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ अपने हिसाब से कुछ वाटरमार्क या फिर कुछ भी ऐड करना चाहते हैं ऐड करेंगे, सेटिंग के पास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, वीडियो को सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।